कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो बाइट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये दो पहलुओं से बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पहलू ये है कि मेरी तरफ से आपके माध्यम से पूरी पुलवामा की आवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरीके से वो जो है वो खुशियों में ईद मनाते रहें, इसी तरीके से फलते फूलते रहें। दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जो मार्केट है, खासकर हमारी जो म्युनिसिपैलिटी है, साफ सफाई का है, उसके बाद हमारा जो सीएपीडी डिपार्टमेंट है जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसके बाद रेवेन्यू में है, और जो हमारी सीएपीडी की चेकिंग्स वगैरह होती हैं, तो इसके रिगार्डिंग है। तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर वे में रिव्यू किया गया है, जिसमें जो है आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे हमारे एरियाज में जो है वो हमारी स्क्वाड जो है वो चेकिंग करती है। उसमें रेवेन्यू की टीम होती है, फूड वालों की टीम होती है, प्लस हमारी म्युनिसिपैलिटी की टीम होती है। तो इसमें सबको ये हदायत जो है वो फ्रेश से जारी की गई है। आज सुबह जो मीटिंग ली है उसमें फ्रेश हदायत यही जारी की गई है कि सबसे पहले के वहां पे जितनी भी, खासकर हमारी जो ईदगाहें हैं, जितनी भी जामे मस्जिद जितनी भी हैं जहां पे ईद की नमाज होगी, वहां पे साफ सफाई का पूरा प्रॉपर वे में एहतमाम होना चाहिए, और वो उसको हम इंश्योर करा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, जैसे आप देख रहे हैं कि बिजली की पिछले काफी टाइम से जो है वो हमें दिक्कत भी आ रही है, लेकिन अब हमने इसमें बिजली को प्रायोरिटाइज किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिजली पानी आपस में जो है वो बहुत कनेक्टेड है। जैसे अगर बिजली प्रॉपर वे में नहीं रहेगी तो पानी की दिक्कत आ जाएगी। तो उसमें हमने ये किया कि एरिया को प्रायोरिटाइज किया, जहां पे लिफ्ट सप्लाई की हमारी स्कीम्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करके जो है वो वाटर सप्लाई जो है वो इश्यू इंश्योर की जाएगी। और दूसरा ये है कि जिन जिन एरियाज के अंदर जो है वो हम बिजली की सप्लाई दे रहे हैं, या जिस एरियाज में हमारी कटौती जो है वो टाइम से ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए वो आने वाले एक दो चार दिनों में जो है वो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट उसमें होगी। लेकिन आवाम तक ये मैसेज भी जाना चाहिए कि ये हमारे लेवल पे जो है वो शेड्यूल्ड कट नहीं है, ये नॉर्दर्न ग्रिड से जो है वो कट हो रहा है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसमें हमें कोऑपरेट करना है, क्योंकि हम जो है वो रमजान के महीने में जितनी भी बिजली इस्तेमाल करते हैं और जो नॉर्मल टाइम में भी करते हैं, तो हमें उसको जो बेजा इस्तेमाल करते हैं उससे एहतियात करना है, जो अननेसेसरी हम करते हैं उसको हमने एहतियात करना है, सो देट कि हम बाकी अपने जो जरूरी जरूरत के लिए जो बिजली हमें इस्तेमाल करनी है उसको हम इस्तेमाल कर पाए। तीसरी चीज ये है कि जो मार्केट में चेकिंग है, जैसे क्या है कि आज जुमतुल विदा कल था, आज उसके बाद कल या परसों के दिन में जो अनाउंस हो जाएगा कि ईद कब होगी, या मंडे को होगी या ट्यूसडे को होगी, वो तो चांद पे डिपेंड करेगा। लेकिन उसके लिए जो मार्केट में चेकिंग है, जो रेवेन्यू का, जिसमें तहसीलदार जो है वो उसका हेड होता है टीम का, तो उसमें हमने इंश्योर किया कि हर जगह पे जो है वो प्रॉपर वे में मार्केटिंग की चेकिंग होनी चाहिए, सो दैट कि आम आदमी को जो है वो किसी किस्म की कोई भी मुश्किल जो है वो ना हो, ताकि एक किस्म से जो है वो सहूलियत उनको मुहैया करवाई जाए। उसके बाद जो हमारा ट्रांसपोर्ट का रहता है, खासकर एआरटीओ को बुला के यहां पे बोल दिया गया है कि जहां पे भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसको भी इंश्योर करना है कि वो जो है वो एक फ्री और फेयर मैनर में जो है वो चले वहां पे, सो दैट के जितना उनका किराया है उसी तरीके से जो है वो उसकी वसूली करें। तीसरी चीज जो है वो सीएपीडी का जो डिपार्टमेंट है उसको भी डायरेक्शन हदायत मतलब दी गई है कि जिन एरियाज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है अभी तक, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अभी तक तो हमारे पास जो डेटा के हमारे पास 100% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई हुई है राशन की, लेकिन किसी एरिया में कहीं कोई जो है एप्लीकेंट या कोई भी आदमी रह गया तो उसको भी एक दो दिन में हम पूरा कर देंगे। फिर जो म्युनिसिपैलिटीज हमारी पांच है, उनको भी ये हदायत दी गई है कि जो साफ सफाई का एहतमाम है उसको खास ध्यान से तौर पे जो है उसका ध्यान रखा जाए, और इंश्योर करना है कि ईद के दिन और खासकर जहां जहां पे भी हमारी नमाज ईद की नमाज होगी, तो वहां पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहां पे साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा, पानी का ख्याल रखा जाएगा, बिजली का ख्याल रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके माध्यम से मैं जो है वो आवाम तक पहुंचा रहा हूं।